पदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणम् परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा जोर से बोली हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कितने भक्त हैं बिहार झारखंड और हिंदी भाषी स्टेट से आए हुए हैं। हिंदी में बोलते हैं। कितने भक्त हैं बांग्ला बोलते हैं बंगाली हैं। अच्युत नाम किधर है? वो बोल रहा था 50-50। अभी तो देख रहा हूँ अलग परसेंटेज अलग हो गया है। जो बंगाली लोग हैं उनको हिंदी समझ में तो आता है, लेकिन जो हिंदी बोलते हैं उसको बांग्ला समझ में नहीं आता। यही समस्या है, इसलिए हिंदी में बोलना पड़ेगा। ठीक। कितने वक्त इधर हिंदी समझते हो? हिंदी समझ में आता है कितने वक्त लोगों को? सबको। वेरी गुड। कितने भक्त इधर है सोलह माला जप करते हैं घर में? जिधर भी हो सोलह माला, ठीक है। चार नियमों का पालन करते हैं कितने भक्त हैं? ठीक। प्रभुपाद का लिखा हुआ ग्रंथ नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं कितने भक्त हैं? थोड़ा कम हो गया। चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानते हैं कितने भक्त हैं? बढ़िया। तो कल चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि गौर पूर्णिमा महोत्सव हम लोग मनाएंगे। किधर मनाएंगे? मायापुर धाम में, जिस धाम में चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि त्रेता युग में रामचंद्र भगवान, द्वापर युग में कृष्णचंद्र भगवान और कली युग में गौरचंद्र भगवान, है ना। तो रामचंद्र भगवान है मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्णचंद्र भगवान लीला पुरुषोत्तम और चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम। रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों हैं? सब नियमों को ठीक से पालन करते हैं, सबको मर्यादा रख के सब काम करते हैं। जब राजा बनते हैं बहुत आइडियल राजा बनते हैं, जब पुत्र बनते हैं आइडियल पुत्र बनते हैं, जो भी करते हैं आइडियल। आइडियल का मतलब आदर्श। इसलिए रामचंद्र भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया गया है। कृष्णचंद्र भगवान लीला पुरुषोत्तम, उसका मतलब क्या है? जो भगवान सब नियमों को तोड़ते हैं उसको कहते हैं लीला पुरुषोत्तम। हम लोग चार नियमों का पालन करते हैं, लेकिन कृष्णचंद्र भगवान एक नियम को पालन करते हैं। एक है ना भगवान, एकम अद्वितीयम। तो इसलिए कृष्णचंद्र भगवान एक नियम को मानते हैं। तो उनका क्या नियम है? भक्त को संतुष्ट करना है, यही उनका नियम है। और भक्त को संतुष्ट करने के लिए जितने भी नियम को तोड़ना पड़ेगा वो तोड़ेंगे। इसलिए कृष्णचंद्र भगवान है लीला पुरुषोत्तम और गौरचंद्र भगवान प्रेम पुरुषोत्तम। वो प्रेम को आस्वादन करते हैं, कृष्ण प्रेम को, और उनको बांटते हैं, सबको बांटते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को महाबदान्ना कहलाया गया है, जो देते हैं। इस दुनिया में हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं, ठीक है। तो महाप्रभु को समझना है तो जिंदगी को बदलना पड़ेगा। कैसे? देना सीखो। आप लोग देने के लिए रेडी हो, प्रस्तुत हो ना लेने के लिए? हम लोग सोचते इधर आगे क्या मिलेगा मेरे को, क्या मिलेगा, उसका मतलब लेना बैंक। तो इसलिए महाप्रभु को समझना बहुत आसान है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देना से, लेना से देना सीखना पड़ेगा। तो इस दुनिया में भी लोग दान करते हैं, लेकिन उसके पीछे भी क्या मिलेगा उसका क्या मतलब रहता है। मैं दे रहा हूँ लेकिन मुझसे भी कुछ मिलेगा, मेरे को भी कुछ मिलेगा, इसलिए हम लोग देते हैं। भगवान के पास आके देते हैं। तिरुपति में बहुत बड़ा बड़ा लाइन, क्यों? वो सोचते हैं इधर डालूंगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़िया होगा, इसलिए देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनको ये दिमाग में रहता है मेरे को भी इससे मिलेगा। उसको प्रेम नहीं कहला गया है, उसको दान नहीं कहला गया है। चैतन्य महाप्रभु वो चीज़ सिखाने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्फलेस सर्विस, ये सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस दुनिया में आए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पाना चाहते हैं? आनंद। किसको आनंद जरूरत है? हाथ उठाइए। तो आनंद बहुत बढ़िया, सबको आनंद चाहिए, सबको आनंद चाहिए। जो भौतिक संसार में भगवान को नहीं जानते हैं वो भी आनंद पाना चाहते हैं, उसको कहते हैं जरानंद। भौतिक सुख जरानंद। उसके बाद लोग सोचते हैं इस जरानंद में कुछ ज़्यादा आनंद है नहीं, दुख ही दुख है, तो लोग मुक्त होना चाहते हैं। इस दुनिया में किया है, सब कुछ टेम्पररी है। अहं ब्रह्मास्मिन, मैं ब्रह्म बन जाऊंगा, मोक्ष प्राप्त कर लूँगा, सब कुछ त्याग कर देना चाहिए, इस भाव को कहते हैं ब्रह्मानंद। उससे भी ऊपर है प्रेमानंद। चैतन्य महाप्रभु प्रेमानंद, प्रेमानंद मतलब भगवान को प्रेम करने से जो आनंद मिलता है वो देने के लिए इस दुनिया में आए। ठीक है, तभी इस दुनिया में भी तो प्रेम है, तो भगवान को प्रेम करना एक ही बड़ा चीज़ है। तो इस दुनिया में जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है, क्योंकि उस प्रेम में भी हम लोग सोचते हैं मेरे को क्या मिलेगा, कुछ पाने का सोच रहता है, उसको कहते हैं काम। आत्मेन्द्रियोपिति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेन्द्रियोपिति इच्छा धरे प्रेमो नाम। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है जो काम, जो कार्य हम लोग खुद के लिए करते हैं, खुद को आनंद देने के लिए करते हैं, उसको कहते हैं काम। और जो कार्य भगवान को संतुष्ट करने के लिए हम लोग करते हैं उसको कहते हैं प्रेम। कार्य को बदलना जरूरत नहीं, उसके पीछे मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, इच्छा क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो कार्य काम है ना कि प्रेम है। कोई एक यंग लड़का को जब मार्केट में गया देखा बहुत अच्छा रोज़ गुलाब, उसको देख के पता चला अभी एक संबंध हुआ है, शादी हुआ है, तो उसके लिए एक गुलाब बहुत अच्छा रहेगा, है कि नहीं। और एक भक्त मार्केट में गया, वो भी गुलाब देखा, उन्होंने सोचा इस गुलाब को मैं राधा माधव को दूंगा, कितना बढ़िया होगा। दोनों ही गुलाब ले रहे हैं, गुलाब उसमें अंतर है, क्या अंतर है। पहले बार जब देखा जो वक्त नहीं है वो किसके बारे में सोचा, खुद के बारे में सोचा, मेरा मेरी जो पत्नी है उनको दूंगा, मेरी जो गर्लफ्रेंड है उनको दूंगा, ये दिमाग में आया, खुद के लिए सोच रहे हैं। लेकिन वही सोच जब भगवान के लिए हम लोग करेंगे उसको कहते हैं प्रेम। तो महाप्रभु क्या देने के लिए आए, उस प्रेम को देने के लिए आए। ठीक है ना, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा, समझ में आ रहा है प्रेम क्या है और काम क्या है, बताइए आप हाथ उठा के, क्या समझ में आया। न जो नया है वो उसको बताना चाहिए, नया जो नया नया 16 माला चालू किया है उसको बोलना चाहिए, बताइए। जोर से बोलिए, सबको सुनाई देगा। तो कौन अच्छा, कौन सा चीज़ अच्छा है, काम अच्छा है या प्रेम अच्छा है, क्यों, प्रेम क्यों अच्छा है, काम क्यों अच्छा नहीं है। काम से क्या मिलता है, प्रेम से क्या मिलता है। काम से दुख मिलता है और प्रेम से क्या मिलता है, आनंद। आनंद अच्छा है या दुख अच्छा है, इतना दुखी होकर क्यों बोल रहे हो आप लोग सोच रहे हो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दुख मिलता है कि नहीं मिलता है, नहीं मांगने से भी मिलता है। तो इस दुनिया में क्या मिलता है, आनंद मिलता है, दुख मिलता है, ऐसा क्यों। और भगवान भी बोलते हैं इस दुनिया में क्या मिलेगा, दुख मिलेगा, दुख खा ला। भगवान सबको दुखी कर देते हैं। भगवान क्या चाहते हैं, हम लोग सब दुखी रहे हैं, क्या चाहते हैं भगवान। भगवान चाहते हैं हम लोग आनंद में रहें, इसलिए भगवान बोल रहे हैं इस दुनिया में जो आनंद के खोज में आप लोग हो वो आनंद इस दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में क्या मिलेगा? दुख। क्यों दुख मिलेगा? इस दुनिया में सब कुछ टेम्पोरेरी है, यही दुख का कारण। दुख भी टेम्पोरेरी है, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ टेम्पोरेरी है, इसलिए दुख भी टेम्पोरेरी है। दुख कम हो जाता है, दुख बढ़ जाता है, और कुछ कुछ टाइम बहुत सुख भी मिलता है। तो दुख का कारण क्या है? इस दुनिया में सब कुछ टेम्पोरेरी है। तो क्या करना चाहिए? ये समझ में आ रहा है ना? इस दुनिया में सब कुछ टेम्पोरेरी है, इसको पता आपको चल गया कि नहीं? अभी भी डाउट है? इसको डाउट है अभी इस दुनिया में टेम्पोरेरी है सब कुछ? डाउट नहीं है। तो क्या करना चाहिए? यही तो लोग विभ्रांत है ना। लोग जानते हैं इस दुनिया में सब कुछ टेम्पोरेरी है, फिर भी वो सोच रहे हैं मैं इधर ही रहूँगा। ये आश्चर्य है। यमराज जब धर्मराज युधिष्ठिर को पूछा इस दुनिया में सबसे आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने बताया सब लोग मर रहे हैं लेकिन बाकी सब लोग सोच रहे हैं मैं मैनेज कर लूँगा, मरूंगा नहीं। ये दुनिया है, तब मैनेज कर पाओगे? नहीं, सबको मरना है। तो मरने के बाद हम लोग मरते क्यों हैं? बताइए। तो थोड़ा फिलोसफी चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद महाप्रभु के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग मरते क्यों हैं? मरना नहीं चाहते हम लोग, कोई मरना नहीं चाहता। क्यों फिर मरना पड़ता है? क्यों? टेम्पोरेरी। क्योंकि हम लोग का जन्म हुआ है। जो जन्म लेते हैं उसका क्या होता है? उनको मरना पड़ता है। जो जन्म लेते हैं वो मरते हैं। जातोस्व ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवंग जन्म मृतस्य। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, और जिसका मृत्यु हुई है उसका फिर जन्म होगा। ये सिद्धांत है ना। तो इसलिए इस चक्कर से निकलना है। ये चक्कर है, अनादिकाल से हम लोग इस चक्कर में फंस गए हैं। निकलने के लिए कोई मार्ग हम लोग को नहीं दिख रहा है। तो उस मार्ग को दिखाने के लिए भगवान इस दुनिया में आते हैं। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर युग में भगवान बार बार इस दुनिया में आते हैं। क्यों? हम लोगों को दिखाने के लिए इस चक्कर से कैसे निकलना है। तो चैतन्य महाप्रभु भी आए इस दुनिया से हम लोगों को निकालने के लिए, क्योंकि आनंद प्राप्त करना है तो इस दुनिया से निकलना पड़ेगा। निकल के किधर जाएंगे? किधर जाना है पता है? किसको पता है किधर जाना है? बताइए। आप लोग तो 16 माला करते हो, ये तो पता होना चाहिए किधर जाना है। बैक टू गॉड हेड। सीख गए आप लोग हैं पूरा गॉड हेड। ठीक है, वो किधर है? किधर है वो बैक टू गॉड हेड नहीं, गोलोक भी जाना है। पूरा गोलोक किधर है? वो कितना दूर पता है? पता नहीं। पता है नहीं कितना किलोमीटर? हाँ? बोलना चाहिए ना। अब बोले दिल्ली में रहने से आनंद नहीं मिलेगा, आपको मुंबई जाना पड़ेगा। तो दिल्ली से मुंबई कैसे जाना है? कितना किलोमीटर है? ट्रेन में जाएंगे, फ्लाइट में जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे? तो ये तो पता चलना चाहिए ना। तो आप लोग को पता चल गया, बैक टू गॉडहेड पता चल गया है। और ये क्या है जिधर है हम लोग, बैक टू क्या है, गॉडहेड नहीं है। तो इस दुनिया से निकल के हम लोगों को चिन्मय जगत में जाना है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोलते हैं, वैकुंठ बोलते हैं। तो इसको कहते हैं भौतिक संसार, मेटेरियल वर्ल्ड, और उसके ऊपर है चिन्मय जगत जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड। विश्वास करते हैं आप लोग? ये बहुत ज़रूरी है, ये समझना, जानना, श्रद्धा होना, नहीं तो हम लोग समय को बर्बाद कर रहे हैं। ये सिद्धांत को जानना चाहिए। डाउट जब तक रहेगा, कृष्ण बताते हैं डाउटफुल माइंड कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड और ऑल्सो इन द नेक्स्ट। जिसके हृदय में डाउट्स है उसको क्लियर कर लेना चाहिए, इसलिए प्रश्न पूछना चाहिए बार बार। अर्जुन कितने प्रश्न पूछे भगवद गीता में और भगवान बताते रहे, तब सब क्लियर हो गया उनका डाउट। कितना टाइम लगा अर्जुन को डाउट क्लियर करने के लिए? कितना टाइम लगा? 45 मिनट्स लगा। हम लोगों को कितना टाइम लगेगा पता नहीं चल रहा है, कितना टाइम लगेगा। इसलिए डाउट क्लियर करना है तो प्रश्न पूछना चाहिए, और प्रश्न पूछने के लिए भी योग्यता होना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, गुरु के पास जाके शरणागत होना चाहिए, शरण लेना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, उसके बाद सेवा करना चाहिए, तब प्रश्न पूछना चाहिए, तब उत्तर मिलेगा, है कि नहीं? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को सिखाने के लिए आए कैसे इस भौतिक संसार से निकालना है। तो सत्ययुग में निकालने के लिए मार्ग क्या है? ध्यान, अष्टांग योग, नहीं ध्यान है ना, सत्ययुग में ध्यान, अष्टांग योग। त्रेता युग में यज्ञ करना है, हवन। उसके बाद द्वापर युग में मंदिर में पूजा, और कलि युग में निकालने के लिए क्या मार्ग है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस दुनिया से निकालने के लिए कलियुग में मार्ग बताया गया है भगवान का नाम। वो नाम भी क्या है वो भी बताया गया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र को जप कीर्तन करने से हम लोग इस भौतिक संसार से निकल के किधर पहुंच जाएंगे? बैक टू गॉड। हरे कृष्णा वो कैसे करना है वो सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस दुनिया में आए। कैसे हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और कैसे बैक टू गॉड हेड जाना चाहिए, वो सिखाने के लिए स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में इस दुनिया में कलियुग में नवद्वीप धाम में मायापुर धाम में प्रकटित हुए, भगवान होके सिखा रहे हैं। क्योंकि कलियुग में लोगों को सिखाने के लिए प्रैक्टिकल कुछ दिखाना पड़ता है, नहीं तो दिमाग में घुसता नहीं, बुद्धि उतना क्या फर्टाइल नहीं है, अच्छा शब्द बोलना चाहिए, है कि नहीं? बुद्धि ठीक से काम नहीं करता है, इसीलिए उनको सिखाने के लिए प्रैक्टिकल कुछ दिखाना पड़ता है। इसलिए कृष्ण भगवद गीता का लेक्चर दिया, है कि नहीं, द्वापर युग के अंत में। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या बताया? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजो। तब तो देख रहे कोई नहीं आ रहा है, कोई तो मेरे पास नहीं आ रहा है, इतना सुंदर मैंने लेक्चर दिया, लेकिन उसके बाद कुछ काम नहीं हो रहा है। तब उन्होंने सोचा लेक्चर देने से काम नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने सोचा अभी प्रैक्टिकल कुछ दिखाना पड़ेगा। साइंस में थियोरेटिकल क्लास होता है और उसके बाद लेबोरेटरी में जाके प्रैक्टिकल सिखाना पड़ता है। तो चैतन्य महाप्रभु प्रैक्टिकल चीज़ दिखा रहे हैं, कैसे भक्ति करनी है, और कैसे भगवान का नाम लेना है, और कैसे भगवत धाम जाना है, ठीक है ना? इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो जीवन है उसको हम लोग ठीक से अध्ययन करेंगे तो और कोई शास्त्र पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने प्रैक्टिकल सब कुछ दिखा दिया, ठीक है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु भगवान है, और कौन भगवान? स्वयं भगवान। ये चीज़ क्या है? स्वयं भगवान। सुना है कभी? इति चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है, वो कौन है? स्वयं भगवान। ये क्या है पता है आपको? भगवान कौन है और स्वयं भगवान कौन है बताइए। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन किन कौन चीज़ को लेके हैं? भगवान को लेके, है कि नहीं? तो बताइए, भगवान, स्वयं भगवान, अवतार, विष्णु, कृष्णा, राम, महाप्रभु, क्या चल रहा है बताइए? सीनियर लोग बता सकते हैं। भगवान कौन है और स्वयं भगवान कौन है, अंतर क्या है? अच्छा, थोड़ा कुछ ट्राई कर रहा है समझने का, बताइए आप कुछ बताइए। तो क्या है वो? अंतर क्या है? भगवान बहुत है लेकिन स्वयं भगवान एक है, ये अंतर है। लोग बोलते हैं ना भगवान एक और मेनी, मेनी को क्या बोलते हैं? अनेक। एक है और अनेक है। अवतार भगवान अनेक है लेकिन स्वयं भगवान एक। इति चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अकेला, अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य बताया गया है। एकमात्र प्रभु कौन है? कृष्ण, बाकी सब उनके दास। बलराम जी भी दास, वो भगवान है लेकिन सेवक भगवान। और कृष्ण कैसे भगवान? सेव्य भगवान, वो सेवा लेते हैं, लेने वाला, और बाकी सब देने वाला। और इस दुनिया में हम लोग क्या बनना चाहते हैं? कृष्ण बनना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को कुछ लेना है। तो इसलिए क्या मिलता है? दुख मिलता है। जब जीवात्मा कुछ पाने के लिए कोशिश करते हैं उसको क्या प्राप्त होता है? दुख। और जब वो जीवात्मा कुछ देने के लिए कोशिश करते हैं उनको क्या प्राप्त होता है? आनंद। इस दुनिया में हम लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम लोग इस दुनिया में सुखी होना चाहते हैं। इसलिए दुखी है। जो सुखी होना चाहते हैं उसको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। ये क्या बता रहे हैं आप? और जब कोई और किसी को सुखी बनाने के लिए कोशिश करेगा उसको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। जो हम लोग देते हैं वही हम लोगों को मिलता है। इसको कहते हैं साइंस। साइंस ये लॉजिक क्या है? जो हम लोग देते हैं वही हम लोगों को मिलता है। तो हम लोगों को आनंद प्राप्त करना है तो आनंद को बांटना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान वो आनंद को बांट रहे हैं। कैसे? हरिनाम के माध्यम से। इस हरिनाम में आनंद है। भगवान आनंद स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप भगवान नाम के स्वरूप में प्रकट हुए हैं, ठीक है। भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, कोई अंतर है नहीं। इस दुनिया में पानी पानी जितना आप जोर से चिल्लाओगे आपका जो प्यास जाएगा, पानी 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 बोलने से ज़्यादा प्यास लगेगा, क्योंकि पानी है पानी और पानी का नाम भिन्न है कि नहीं। लेकिन भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। स्वयं भगवान कृष्ण और उनका नाम अभिन्न है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलियुग में भगवान नाम के स्वरूप में अवतीर्ण हुए, ठीक है ना। तो आनंद को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, नाम को लेना चाहिए। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरापराधे नाम लोइले पाय प्रेम धन। हम लोग भजन करते, भजन क्यों करते हैं, आनंद प्राप्त करने के लिए, बैक टू गॉडहेड के लिए ना। बैक टू गॉडहेड जाना है तो क्या करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। भोजन नहीं, भजन भजन भजन। तो बहुत सारे भजन का मार्ग शास्त्र में बताया गया है, लेकिन इधर बताया गया है भजनेर मध्य श्रेष्ठ। सबसे आगे कौन है भजन का मार्ग, नवविधा भक्ति। नवदा भक्ति जो श्रीमद् भागवत में प्रह्लाद महाराज बताए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यह है नवदा भक्ति, भजन का न अंग। श्रवण कीर्तन आदि, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में कीर्तन करना, स्मरण करना, बहुत सारे मार्ग बताया गया है। सर्वश्रेष्ठ क्यों है, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। तो इसको हम लोग अपनाएंगे तो क्या मिलेगा, कृष्ण मिलेगा, कृष्ण प्रेम मिलेगा, उसका मतलब आनंद मिलेगा, बैक टू गॉड हेड जाने का टिकट मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग आप लोगों को बैक टू गॉड जाने का बहुत इच्छा देखा मैंने, इसलिए मैं बार बार बैक टू गॉड हेड बता रहा हूँ। अच्छा है ना, बैक टू गॉड हेड, उसका टिकट क्या है, प्रेम। कृष्ण प्रेम जैसा टिकट जब मिल जाए वो दिखाओगे, बैक टू गॉड हेड में एंट्री हो जाएगा। और नहीं रहेगा तो सिक्योरिटी बोलेगा एंट्री नहीं है, नो एंट्री बोर्ड लग जाएगा। तो बैक टू गॉड हेड में एंट्री पास क्या है, कृष्ण प्रेम। तो इसलिए नवदा भक्ति करने से क्या मिलेगा, कृष्ण और कृष्ण प्रेम मिलेगा। और उसके बाद बताया गया है तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। नवदा भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ क्या है, नाम संकीर्तन, भगवान का नाम का कीर्तन करना। निरापराध है नाम लोइले पाई प्रेमदन, सर्वश्रेष्ठ क्यों है, अपराध मुक्त होके कोई भगवान का नाम लेगा तो क्या होगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेंगे। कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, हाँ हाँ। तो महाप्रभु क्या दिखाया, टाइम बहुत कम है, 5:15 हो गया। तो महाप्रभु जा रहे थे, आप जानते हैं महाप्रभु इस दुनिया में कितने साल रहे, 48 इयर्स, 48 साल इस दुनिया में रहे, 24 साल नवद्वीप धाम में रहे। उसके बाद किधर चले गए, संन्यास लेने के बाद जगन्नाथ पुरी चले गए, 6 साल प्रचार किए पूरा भारत में, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, पूरा भारत में कृष्ण भक्ति का प्रचार किए। 6 साल सब भक्त बन गए तो क्या करेंगे, उसके बाद जगन्नाथपुरी में बैठ गए, तो भक्त लोगों को मिलना चालू किया। 6 साल सब मिलना जब खत्म हो गया उसके बाद लास्ट 12 साल क्या किए, कृष्ण प्रेम का आस्वादन किए। ये महाप्रभु का जीवन। तो महाप्रभु जब प्रचार करने के लिए गए, पहला प्रीचिंग टूर संन्यास के बाद साउथ इंडिया, आप लोग कोई साउथ इंडिया से है नहीं, दुख की बात, ठीक है, कोई समस्या नहीं। नॉर्थ इंडिया में भी गए महाप्रभु और बंगाल से चले गए। संन्यास लेने के बाद बंगाल को क्या बोले, गुड बाय, चले गए जगन्नाथपुरी, उधर से चले गए साउथ इंडिया, दक्षिण भारत चले गए। जब रास्ते में जा रहे थे उस टाइम तो गाड़ी, फ्लाइट, रेलगाड़ी कुछ नहीं थी, तो क्या कैसे जाना पड़ेगा, पैदल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जा रहे थे महाप्रभु कीर्तन करते करते, तो देख के बहुत अच्छा लगा, इतना सुंदर, देखने में भी सुंदर, गाने में भी बहुत मधुर, तो लोग देखने के लिए आ गए। महाप्रभु जब देखे कोई आ गए उनको देखने के लिए, तो महाप्रभु ने क्या किया, बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो जब उन लोग हरि बोल बोलने लगा, महाप्रभु को बहुत आनंद मिला, तो महाप्रभु बहुत खुश हो गए, कृतज्ञ हो गए। 16 माला नहीं किया, एक बार ही किए, फिर भी बहुत कृतज्ञ हो गए। हम लोग 16 माला करने के बाद भी लोग, भक्त लोग पूछते 16 माला बस, महाप्रभु बहुत संतुष्ट हो गए और आनंद में जाके आलिंगन किए। तो महाप्रभु का आलिंगन कैसा आलिंगन है, प्रेम आलिंगन। एक बार आलिंगन किया, तुरंत क्या मिल गया, टिकट मिल गया, एंट्री पास, बैक टू गॉड एट कृष्ण प्रेम। जोर से बोली हरि बोल। लेकिन हम लोग को नहीं मिल रहा है इधर, लेकिन उन लोगों को मिल गया कृष्ण प्रेम तुरंत। मंगलारती नहीं, 16 माला जप नहीं, शास्त्र पढ़ना नहीं, 4 नियमों का पालन नहीं, दीक्षा नहीं, धाम दर्शन नहीं, कुछ नहीं। क्या मिला, एक प्रेम आलिंगन, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। और जब प्रेम हो जाता है तो पागल जैसा हो जाता है, इस दुनिया में भी देखा जाता है। जब पहली बार प्रेम होता है लोग पागल हो जाते हैं कि नहीं, तो लोग भी पागल हो गए कृष्ण के लिए। तो गांव में लौट के जब गया तो गांव के लोग सोचने लगा, अरे जब गया तो नॉर्मल था, भी तो एबनॉर्मल कैसे बन गया, पागल कैसे हो गए। तो देख के आते हैं, तो मजा देखने के लोग आते हैं। तो जब वो लोग मजा देखने के लिए आए तो ये लोग भी बोलने लगा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो सब लोग को कृष्ण प्रेम मिल गया, पूरा गांव कृष्ण भक्त बन गए। देखिए कृष्ण प्रचार का फल, पूरा गांव भक्त बन गए, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिए। तो उसके पास में जो गांव था, उन गांव के लोग सोचने लगे इस गांव का क्या हो गया, तो देख के आते हैं। तो लोग भी आए, उन लोग भी हरि बोल बोले, उनको भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। इससे क्या हो रहा है, एक गाँव से दूसरा गाँव, दूसरा गाँव से तीसरा गाँव, एक शहर से दूसरा शहर, पूरा दक्षिण भारत कृष्ण भक्त बन गए। आनंद नहीं लग रहा है, दुखी हो गया क्या, विश्वास हो रहा है नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो महाप्रभु कैसे प्रेम दिए, एक बार हरि बोल बोलना और उसके बाद आलिंगन। महाप्रभु के पास इतना इतनी शक्ति है, क्योंकि भगवान का जो नाम, इसमें बहुत शक्ति है, सब शक्ति उसमें डाल दिया गया है। नाम नाम करी बहुधा निज सर्व शक्ति, सब शक्ति उसमें डाल दिया गया है। तो इसलिए उस नाम को जो ठीक से जप कीर्तन करेगा उसको तुरंत कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है, 10 साल 20 साल 30 साल उसके बाद भी प्रेम नहीं मिल रहा है। किधर प्रेम, कितना टाइम लगेगा, कितना साल लगेगा, कितना जिंदगी लगेगा, ये प्रश्न पूछते हैं हम लोग, कब मिलेगा आपको क्या लगता है कब मिलेगा? एक छोटा कहानी बताता हूँ। कितने लोग आप गांव से हैं? ठीक। कितने लोग शहर से हैं? शहर से नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा गांव से हैं। अच्छा, तो एक व्यक्ति गांव में रहते थे, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन वो गांव के बाहर कभी नहीं गए, गांव के बाहर कभी नहीं गए। लेकिन एक बार क्या हुआ, उनको एक कार्य करने के लिए गांव के बाहर जाना पड़ा। तो कैसे जाएंगे? वो भी ट्रेन में जाना पड़ेगा, रेलगाड़ी में। तो स्टेशन किधर है वो भी पता नहीं। उन्होंने सुना गांव के बाहर एक स्टेशन है, उससे ट्रेन मिलता है, उस ट्रेन से वो इधर जाना है वो जा सकता है। तो स्टेशन कितना दूर है वो भी पता नहीं, कितना टाइम लगेगा वो भी पता नहीं। तो घर से निकल पड़े। तो जब घर से निकल पड़े, रास्ते में गांव में देखा एक किसान खेती कर रहे थे। तो उन्होंने किसान को पूछा, आप बता सकते हो क्या इधर से स्टेशन जाने में कितना टाइम लगेगा? तो किसान कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सोचा मैं थोड़ा भीड़ से बोल रहा हूँ, इसलिए उन्होंने और तेज़ से बताया, आप सुन रहे हो क्या इधर से स्टेशन जाने में कितना टाइम लगेगा? फिर भी कोई उत्तर नहीं। फिर और से भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा ज़ोर से पूछने लगा, फिर भी कोई उत्तर नहीं आ रहा है। तब उन्होंने सोचने लगा, इसके पास ऐसा प्रश्न करता रहूँगा तो हम मेरे को ट्रेन नहीं सोच सकते। लगता है उसका दिमाग खराब है, नहीं तो कान खराब है। तो उन्होंने क्या किया, डर से उन्होंने दौड़ना चालू किया। जब दौड़ना चालू किया तब जो किसान कुछ नहीं बता रहे थे, तो उन्होंने ज़ोर से बताया, आपको 15 मिनट लगेगा। तो उन्होंने बताया, अभी तक मैं चिल्ला रहा था कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, और जब मैं अभी दौड़ना चालू किया तब बताने लगा 15 मिनट लगा, ऐसा क्यों किया आपने? उन्होंने बोला, देखो जब आप पूछ रहे थे कितना टाइम लगेगा, आपको आपका कितना स्पीड है पता नहीं था मेरे को, लेकिन आप जो स्पीड में आप दौड़ रहे हो इस स्पीड में आप दौड़ोगे तो 15 मिनट लगेगा। तो हम लोगों को बैक टू गॉड में जाने में कितना टाइम लगेगा? स्पीड के ऊपर बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग, स्पीड। तो स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करता है? आप लोग गाड़ी चलाते हो ना, बाइक गाड़ी, उसमें गियर रहता है। फर्स्ट गियर में स्पीड, सेकंड गियर में स्पीड, थर्ड गियर में स्पीड, फोर्थ गियर में स्पीड, फिफ्थ गियर में स्पीड, है कि नहीं? और न्यूट्रल में नो स्पीड। तो आपका गाड़ी न्यूट्रल में रहेगा तो कब पहुँचोगे? हाँ, कब पहुँचोगे? कभी नहीं। तो हम लोग का भी ऐसा ही हाल होता है, हम लोग को पता नहीं चलता है गाड़ी न्यूट्रल में है, और हम लोग एक्सीलेटर दबाते रहते हैं, दबाते रहते, तो क्या होगा, क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा। पता है आपको, धुआं निकलेगा। तो हम लोग को भी ऐसा हाल होता है, गाड़ी हमारा भक्ति की गाड़ी न्यूट्रल में है और हम लोग दबा रहे हैं, अभी अभी प्रेम प्राप्त करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अभी तुरंत कृष्ण प्रेम हो, तो डर के भाग जाएगा आपका नाम सुन के, क्योंकि गाड़ी न्यूट्रल गियर में है। न्यूट्रल गियर का मतलब आसक्ति है। जब तक इस दुनिया को भोगने का आसक्ति रहेगा तब तक गाड़ी न्यूट्रल गियर में रहेगा। इसलिए कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो पहले आसक्ति से, भौतिक आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। इस दुनिया में हम लोग भोगने के लिए आसक्त हैं। किस में आसक्ति है? बहुत सारी चीज़ों में आसक्ति है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को प्रभुपद बताते हैं, कनक कामिनी प्रतिष्ठा बाघिनी, ये तीनों चीज़ों में बहुत आसक्ति है। कनक का मतलब gold, gold, पैसा, पैसे में बहुत आ सकते हैं। हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, क्यों? कौन सा कॉलेज में जाते हैं जिधर गारंटी है क्या मिलेगा? नौकरी मिलेगा। नौकरी क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? पैसा मिलेगा। आ सकते हैं हम लोग, पैसा ज़्यादा टाइम नहीं है तो पैसा हमें आ सकती है। उसके बाद पैसा मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, मिल गया, प्रमोशन भी मिल रहा है, फिर भी आनंद नहीं मिल रहा है। तब उन्होंने कोई दोस्त आके बाद कैसे आनंद मिलेगा? अकेला रहोगे तो कैसे आनंद मिलेगा? कृष्ण भगवान में आनंद प्राप्त करने के लिए 1 से 2 हो गए, तो आपको भी 1 से क्या होना पड़ेगा? 2 होना पड़ेगा। तो 1 से हो गया 2, फिर भी नहीं मिल रहा है आनंद। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर भी संख्या बढ़ रहा है लेकिन आनंद नहीं मिल रहा है। तो ये दुनिया का यही हाल है। कनक, उसके बाद कामिनी, उसके बाद प्रतिष्ठा, इसका मतलब पोजीशन चाहिए, नेम, फेम, ग्लोरी, इसके लिए हम लोग भागते हैं। लेकिन जितना भी भागो कुछ तो मिलेगा लेकिन आनंद बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसीलिए गाड़ी को फास्ट गियर में लेके आना है तो इस 3 चीज़ों को धीरे 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 छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना नहीं, आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। 2 रह सकते हो, 3 रह सकते हो, कोई समस्या नहीं, लेकिन आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। तब क्या होगा? गाड़ी न्यूट्रल से आएगा फर्स्ट गियर में, तो भक्ति स्टेडी हो जाएगा। निष्ठा भक्ति, आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति हो गया। उसका मतलब अभी गाड़ी न्यूट्रल से आ गया फर्स्ट गियर में, उसके बाद रुचि सेकेंड गियर, उसके बाद आसक्ति थर्ड गियर, उसके बाद भाव फोर्थ गियर, उसके बाद प्रेम फिफ्थ गियर। जब गाड़ी 5th गियर में आ जाएगा कितना टाइम लगेगा भगवत धाम जाने के लिए? तुरंत, इमीडिएटली भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। जैसे कृष्ण प्रेम मिल जाएगा तुरंत बैक टू गॉड। अच्छा है ना? सोच रहे हैं क्या करना चाहिए? गाड़ी को फर्स्ट गियर में रखे ना, न्यूट्रल में अच्छा है लगता है। तो गाड़ी को कितने, कौन सा गियर में रखना ठीक रहेगा? फर्स्ट गियर में अच्छा रहेगा। बोले फर्स्ट गियर में अच्छा है, धीरे धीरे चलेगा, देखते हैं कैसा। लोकल ट्रेन में चलते हैं, जो ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो क्या होगा? ज़्यादा स्पीड नहीं रहेगा तो क्या होगा? मैराथन में जो सक्सेसफुल होते हैं वो कैसे चलते हैं? बैलेंस। ज़्यादा तेज़ में भी नहीं भागेगा, ज़्यादा स्लो भी नहीं भागेगा। तो ज़्यादा तेज़ में जो भागता है उसका क्या होता है? कुछ देर के बाद दिखाई नहीं पड़ता है। और जो बहुत स्लो चलते हैं वो कभी पहुंचता नहीं। इतना देर रेस खत्म हो गया, वो भी चल रहा है, मैराथन चल रहा है, कितना बहुत स्लो है। तो इसलिए बैक टू गॉड जाना है तो ज़्यादा तेज़ भागोगे तो क्या होगा? हरे कृष्ण कृष्ण, तो क्या होगा? कुछ दिन के बाद दिखाई नहीं पड़ेगा, एक्सीडेंट होने जाने का संभावना है। और बहुत स्लो, हरे कृष्णा, तो क्या होगा? रेस खत्म हो जाएगा, महाप्रभु का लीला भी खत्म हो जाएगा, भौतिक संसार का सृष्टि भी प्रलय हो जाएगा। आपका हरे कृष्णा चलता रहेगा, कभी पहुंच नहीं पाओगे क्योंकि बहुत स्लो। इसलिए भगवान के पास पहुंचना है तो क्या करना चाहिए? बैलेंस। ज़्यादा स्पीड में भागने का कोशिश मत करो और ज़्यादा स्लो भी मत जाओ। तो धीरे धीरे, इसको कहते हैं स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी बोलते हैं, विंस द रेस। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो सिखाए उसको बहुत सीरियसली हम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट गाइडेंस में हम लोगों को करना चाहिए। तब क्या होगा, हम लोग एक्सीडेंट नहीं करेंगे, तो हमारा जो यात्रा है वो सफल होगा, हम लोग भगवत धाम पहुँच जाएंगे। 5:30 बज गया है, तो इसलिए हम लोगों को अभी कथा का विश्राम देना चाहिए और कुछ क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ प्रश्न है तो पूछिए। क्या जोर से पूछिए, मैंने तो बताया ना, समझ में नहीं आया। भगवान जो विष्णु तत्व है उसको कहते भगवान। तो विष्णु तत्व का भी एक सोर्स है, वो है कृष्ण। तो कृष्ण सबका सोर्स है, स्रोत है, इसलिए स्वयं भगवान है। सब भगवान का भी स्रोत जो भगवान है उसको कहते हैं स्वयं भगवान। ठीक है ना, विष्णु हैं, नारायण हैं, अवतार हैं, देवता हैं, जीवात्मा हैं, बहुत सारे वैरायटीज हैं, लेकिन सबका स्रोत कौन है, मूल जो आदि वो है कृष्ण, इसलिए वो स्वयं भगवान है। समझ में नहीं आया। मूवी देखते हो? मूवी अभी नहीं ना, बताओ ना, कोई समस्या नहीं। अच्छा, मूवी थोड़ा देखने से क्या समस्या है? तो मूवी में पहले देखा है अपने अमिताभ बच्चन का मूवी देखा? तो अमिताभ बच्चन बहुत सारे मूवी किए हैं, 2-3 नाम बता। साइंस, शोले, और कुछ मैं चेक कर रहा हूँ, बैकग्राउंड चेकिंग चल रहा है। तो सेम अमिताभ बच्चन है ना, जो शोले में क्या नाम था कैरेक्टर? जय। और विजय में एक मूवी था, उसमें क्या कैरेक्टर का नाम? विजय। और साइंसा में कैरेक्टर का क्या नाम? साइंसा। अच्छा, तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं, है कि नहीं? एक मूवी कुली। तो बहुत सारे मूवी में अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग की है, तो सब मूवी में भी तो वही अमिताभ बच्चन ही है ना। समझ में आ रहा है? आएगा, धीरे धीरे आएगा। लेकिन अमिताभ बच्चन जो घर में है वो है स्वयं भगवान, और जो मूवी में एक्टिंग हो रहा है वो है भगवान। क्योंकि जो कूली में है वो कभी साइंसा नहीं बन सकता, लेकिन जो अमिताभ बच्चन ओरिजिनल पर्सनालिटी है वो साइंसर भी बन सकता है, कुल भी बन सकता है, सारवी भी बन सकता है, जो चाहिए वो बन सकता है, इसलिए वो स्वयं भगवान। तो कृष्णा सब अवतार बन सकता है, लेकिन और कोई अवतार नहीं बन सकता है, कृष्ण को तो बात छोड़िए। यही अंतर है। भगवान विष्णु तत्व है, लेकिन कृष्णा ये सब विष्णु तत्व का भी मूल आदि स्रोत है, उससे सब कुछ आया है, इसलिए उसको स्वयं भगवान कहलाया गया है। ठीक है। और कुछ? ज़्यादा तेज में जानते नहीं हो, ज़्यादा जो हाई स्पीड में गाड़ी चलाता है एक्सीडेंट होता है कि नहीं? भक्ति में तेज का मतलब ऐसा तेज में हरिनाम हो रहा है, मैं आज से 64 माला नींद बंद। पोपा जी रात में नहीं सोए, मैं भी पोपा जैसा बन जाऊंगा, रघुनाथ दास गोस्वामी बनना है। चालू हुई है क्या? उसके बाद क्या? बीमार है कि नहीं? इसलिए प्रभुपाद बताते हैं ज़्यादा खाओगे बन जाएगा, ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा? बीमारी। नहीं खाओगे बीमारी। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं इफ़ यू ईट टू मच यू बिकम लेजी, इफ़ यू डोंट ईट you become crazy. This corn is not meant for lazy and crazy. ठीक है ना, बैलेंस करना चाहिए। एक ही डाउट है बस, बहुत अच्छा, एक ही डाउट बताए। मैं कैसे बता मैं अच्छा कर रहा हूँ? ठीक है, प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए। किधर किधर बताया? किधर बताया पोपा जी ने? आप बता रहे हो पोपा जी बताया? पोपा जी बताया, शास्त्र बताते हैं भगवत धाम जाने के लिए कृष्ण प्रेम जरूरत है। 4 माला, 16 माला, 64 माला से भगवत धाम जा पाएगा, किधर भी लिखा नहीं है। जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है वही भगवत धाम जाएगा। कोई महाराज बन गया, कोई बड़ा बन गया, उससे भगवत धाम जाएगा, किधर लिखा है? सन्यासी बनने से भगवत धाम जाता है, किधर लिखा है? उसमें भगवत धाम में कोई एंट्री नहीं है। सन्यासी बनने का इच्छा है तो बार बार इधर आके सन्यासी बनना पड़ेगा, क्योंकि भगवत धाम में कोई सन्यासी है नहीं, है ना? तो भगवत धाम में कौन प्रवेश कर सकता है? जिसके पास कृष्ण प्रेम है। अभी पूछिए प्रश्न। मैंने बताया ना, इतनी चर्चा हो रही है, 5th गियर में जाना पड़ेगा, गाड़ी को 5th गियर में लाना पड़ेगा, तब कृष्ण प्रेम मिलेगा। अभी पूछेंगे 5th गियर में कैसे जाना है? तो पहले तो न्यूट्रल से निकलो। पहले न्यूट्रल में हो तो न्यूट्रल से निकलना पड़ेगा, पहले न्यूट्रल से फर्स्ट गियर, फर्स्ट गियर से सेकेंड गियर, तो धीरे धीरे होता है ना। तुरंत 5th गियर में डालोगे तो गाड़ी खराब हो सकता है, कोई गियर नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद गियर के नहीं काम कर रहे, क्यों? न्यूट्रल से 5th गियर में डाल दिया मैंने, गाड़ी खराब हो जाएगा, ठीक है ना? इसलिए अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को भक्ति में आगे बढ़ना है, ठीक है? ये गलत फहमी है, वो कोई भक्त 30 साल है इसलिए भगवतम जा रहा है, मैं 1 साल हूँ मैं भगवतम नहीं जाऊँगा, एक किधर का सिद्धांत है? पूरा गलत सिद्धांत है। हमारे भक्ति जीवन में क्या मैं करब सेटा आमी ठीक करब ना गुरु शास्त्र ठीक करबे? एटा प्रथम सिद्धांत। बांग्लाय बोलছি না रे, हिंदीতে बोलते हैं। वो पूछ रहे हैं मैं कोई संकल्प लिया, मैं अभी ज़्यादा जप करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, वो ब्रेक करने से क्या अपराध होता है? एक ऐसा संकल्प लेना चाहिए। तो पहले हम लोगों को जानना चाहिए संकल्प लेना है उसका आधार क्या है। मैं संकल्प ले रहा हूँ नहीं, यो साधु गुरु शास्त्र से अनुमोदित है। हम लोग 16 माला क्यों जप कर रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी ने बताया। हरिनाम क्यों कर रहे हैं? शास्त्र में बताया गया कलियुग में हरिनाम करना चाहिए, इसलिए हम लोग 16 माला हरिनाम करते हैं, क्योंकि ये साधु गुरु शास्त्र से हम लोग प्राप्त किए हैं। तो जो भी संकल्प करना है वो साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से होना चाहिए, ठीक है। और जब संकल्प लेते हैं वो तोड़ने से अपराध होता है। जैसे हम लोग संकल्प लिया, दीक्षा ली, 16 माला जप करूंगा, लेकिन उसके बाद 16 माला नहीं करने से अपराध, गुरु को अवज्ञा कर रहे हैं हम लोग, अपराध हो रहा है। तो जो संकल्प लेते हैं उसको मेंटेन करना चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाएगा। इसलिए संकल्प लेने से पहले सोचना चाहिए, ये जो मैं संकल्प ले रहा हूँ ये मेंटेन कर पाऊँगा कि नहीं। संकल्प लेने के बाद सोचना नहीं चाहिए, संकल्प लेने से पहले सोचना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग उत्साह हो गए, मैं करूँगा 32, 64, उसके बाद एक माला भी नहीं हो रहा है, उससे धीरे धीरे चलो, ठीक है ना। हरे कृष्ण। और कुछ आनंद नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि आनंद नहीं चाहने से भी आपको मिल जाएगा। हम लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान का नाम का जप कीर्तन करना चाहिए, कोई प्राप्त करने के लिए जप नहीं करना चाहिए। भगवान को संतुष्ट करने के लिए हम लोग क्यों जप करेंगे? क्योंकि महाप्रभु ने बताया कलियुग में हरिनाम करना चाहिए। हरिनाम करने से गुरु आचार्य लोग भगवान संतुष्ट होते हैं, इसलिए हम लोग जप करते हैं। लेकिन उनके साथ साथ क्या मिलता है? आनंद मिलता है, वो मांगने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ है? न्यूट्रल से निकालने के लिए तो आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़ना पड़ेगा? कैसे? जो आसक्त से मुक्त है उनके साथ संग करना पड़ेगा, उनको सेवा करना पड़ेगा, उसके मुख से सुनना पड़ेगा। इसलिए जो उन्नत भक्त हैं उसके मुख से जब हम लोग ध्यान से सुनेंगे तो हमारे हृदय में जो आसक्ति है क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए बताते हैं जो कथा भगवान के शुद्ध भक्त से निकालते हैं वो एक सोड को हिंदी में क्या बोलोगे? तलवार जैसा। और हमारा जो आसक्ति है और रस्सी जो बहुत, उसको क्या बोलते हैं? नॉट्स को, नॉट्स गार्ड, बहुत गार्ड जब हो जाते हैं उसको निकालना असंभव है। उसको क्या करना चाहिए? काट देना चाहिए। तो कैसे काट पाओगे? तलवार से। वो तलवार क्या है? शुद्ध भक्त का वाणी, उसके मुख से सुनना चाहिए, ये सिद्धांत, ठीक है। और कुछ? निताय चंद्र निमाय प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं आप? क्या क्या क्या? क्योंकि उनका क्वालिफिकेशन पता रहता है कि वो गोपी के रूप में आएंगी, इसलिए भगवान को एक वृंदावनवासी के रूप में समझा। और यदि उनका इंटेंशन सही नहीं था फिर भी भगवान को फॉलो करते। तो क्या प्रश्न क्या है? अभी तो महाप्रभु का चर्चा चल रही है, आप कृष्ण को ले आ गए, ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो प्रश्न क्या है? हाँ, तो क्या है प्रश्न? क्या है? आपको पूतना बनना है तो आसान हो जाता है। वो पूतना को जो मिला वो कृपा सिद्धि, वो एक्सेप्शनल है, वो नॉर्मल नियम नहीं है। जैसे महाप्रभु ने प्रेम आलिंगन दिया, उसको प्रेम प्राप्त हो गया है, कृपा सिद्धि है, ये एक्सेप्शनल है, नॉर्मल नहीं है। उस प्रेम आलिंगन को कैसे प्राप्त करना है प्रताप रुद्र महाराज के माध्यम से महाप्रभु ने सिखाया, वो हमारे लिए जरूरी है जानना कि वो नॉर्मल चीज़ है। तो एक कृपा सिद्धि हम लोगों को इंस्पिरेशन देता है, लेकिन वो नॉर्मल प्रोसीड्योर नहीं है, ठीक है, ठीक नहीं है। ऐसे कर रहे हो जैसे ठीक है कि ठीक नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन साधन करना पड़ता है। साधन करने के बाद जब हम लोग 100% भगवान को दे देंगे तब भगवान कृपा करते हैं। जैसे जसोदा मैया ने जब पूर्ण रूप से उन्होंने समर्पित हो गए, पूर्ण कोशिश किए हैं, तब भगवान उनको कृपा किए। इसको कहते हैं साधन सिद्धि, ठीक है। 24 घंटा भगवान के सेवा में क्या जुड़ के रहना चाहिए, तब भगवान एक दिन कृपा जरूर करेंगे, ठीक है। सोते समय पहले जब जागरूक हो उस टाइम ठीक से करो। हम लोग तो जप के टाइम सोते हैं, कथा के टाइम सोते हैं, और सोने के टाइम तो सोना ही पड़ेगा। हम लोग तो वेट करते हैं कब सोने का टाइम आएगा। रात में 6 घंटा सोने के बाद हम लोग सोचते हैं जपा के टाइम 2 घंटा मिल जाएगा, उसको भी ठीक से व्यवहार कर लेंगे, उसके बाद 1 घंटा कथा के समय। हम लोग सोने के लिए बहुत व्याकुल है, तो इसीलिए इस दुनिया में हैं। तो जो लोग सोते हैं तो इस दुनिया में रहते हैं। तो इसलिए महाप्रभु बोलते हैं, जीव जागो गोरा चाँदो बोले कत निद्रा जाओ तुम्हें पिशाची रखोले। जितना सोओगे उतना क्या होगा, माया के चक्कर में हम लोग फंस जाएंगे, ठीक है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त कभी सोते नहीं। वो क्या है बाद में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। और कुछ ये पूर्ण रूप पर बांग्ला रे वो बोल रहे हैं 100% सरेंडर कैसे हो पाएगा, क्या चीज़ है। तो जब तक आसक्ति है तब तक पूर्ण रूप से हम लोग सरेंडर नहीं कर पाएंगे। आसक्ति बाधा डालती है ना सरेंडर के लिए, इसलिए आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। इसलिए भगवान का जो कथा, भगवान की कथा, भगवान का नाम ठीक से करना चाहिए शुद्ध भक्त के संग में। तो धीरे 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 आसक्ति जब कम होता जाएगा तब धीरे धीरे शरणागति भी बढ़ता जाएगा। तो पूर्ण रूप से शरणागति का लक्षण 24 घंटा काय मनोवाक्य से भगवान का सेवा जो करते हैं उसको कहते हैं फुल्ली सरेंडर, ठीक है। हरे कृष्ण। टाइम हो गया, तो हम लोग कल गौर पूर्णिमा मनाएंगे। आज अधिवास, तो अधिवास में भी आप लोग भाग लीजिएगा, चेतना को प्रस्तुत कीजिएगा, महाप्रभु कॉन्शसनेस कर लीजिएगा। तो पता नहीं काल भी फिफ्थ गियर मिल सकता है, ठीक है ना। तो काल 5th गियर मिलने के लिए थोड़ा अभी से थोड़ा रेडी हो जाइए। हरे कृष्ण। श्रीमद महाप्रभु की श्री प्रभुपाद की हरिनाम संकीर्तन की गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदे।